गणेश जी क्यों हैं विघ्न विनाशक? विघ्नहर्ता का अर्थ होता है बाधाओं का हरण करने वाला। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मनुष्य के जीवन में से बाधाओं का नाश करते हैं। उन्हें देवों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इनकी पूजा के साथ की जाती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता अर्थात बाधाओं का नाश करने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है और किसी भी शुभ अनुष्ठान या अवसर से पहले इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र श्री गणेश को अच्छी किस्मत और शुभता का भगवान माना जाता है। ये जीवन की हर समस्या और समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए विख्यात हैं। दर्भ नामक हरी घास के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को ओमकारा के रूप में भी जाना जाता है। ओम को ओमकारा भगवान भी कहा जाता है क्योंकि ओम शब्द भौतिक रूप से गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक पूजा ओमकारा शब्द के साथ शुरू की जाती है। दूसरे शब्दों में सभी पूजा की रस्में भगवान गणेश प्रार्थना करने के बाद शुरू की जाती हैं। शब्द गणेश दो शब्दों गण जिसका अर्थ है लोग और ईश जिसका अर्थ है भगवान से बना है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश विघ्नहर्ता अष्ट विनायक एक दंत गजानन वक्रतुंड और गणपति जैसे विभिन्न अन्य नामों के साथ पूजे जाते हैं। उपनिषदों और शास्त्रों के अनुसार गणपति को सभी देवताओं में अग्रणी कहा गया है। गणेश जी अपने आप में संपूर्ण वास्तु हैं, इसलिए गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है। गणेश जी शरीर के हर हिस्से में किसी न किसी ग्रह के दोष को दूर करते हैं। जीवन में भौतिक सुख एवं समृद्धि को लाने के लिए सफेद गणेश जी की पूजा की जानी चाहिए। भगवान गणेश जी का वाहन मूषक सूचनाएं एकत्र करने का प्रतीक है और ये राहु दोष को भी दूर करता है। भगवान गणेश का मुख भले ही हाथी के मुख जैसा हो लेकिन ये बुद्धि पर नियंत्रण, शरीर से नकारात्मक विचारों को निकालने और अराजक तत्वों पर जीत का प्रतीक है। गणेश जी की पूजा अर्चना द्वारा घर के वास्तु दोषों को दूर कर सुख और संपन्न जीवन पाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।